भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका योग रहस्य में। दोस्तों, योग रहस्य खुशियों की स्वास्थ्य की डगर है और इस कार्यक्रम को देखकर बस इस राह पे आपको चल देना है, छोड़ना बस अगर मगर है। ये आपको स्वास्थ्य देगा, सुख देगा और देगा आध्यात्मिक बल भी। ये योग आपको देगा आपके सपनों का कल भी। तो सुंदर वर्तमान को बनाते हुए, सुंदर भविष्य को बनाते हुए आइए योग की इस राह पर आगे बढ़ते हैं। स्वागत करते हैं आज के अनुभवी मेहमानों का। आइए मैं आपका परिचय उनसे करवाता हूं। हमारे बीच हैं आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी, जो कि माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से पधारे हैं। आदरणीय राजू भाई जी, जो ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से हैं। साथ ही हमारे साथ है योग के टीचर बाबूलाल जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, योग इतना बड़ा विषय है कि जो भी सागर में जाता है वो ठंडक पाता और एक अपनी अनुभूति पाता है। और इतनी अनुभूतियां मिलती हैं कि आप बस चुन लीजिए आपको क्या चाहिए, आप अपने जीवन को कैसे सजाना चाहते हैं, आपकी क्या जरूरत है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले राजू भाई की ओर। मैं स्वागत करते हुए उनसे ये पूछना चाहूँगा, राजू भाई, आप शाश्वत खेती से भी जुड़े हैं, वहाँ भी आपने योग के प्रयोग किए हैं और निजी जीवन में भी आपको योग के बड़े प्यारे अनुभव हैं। हम थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। शाश्वत योगिक खेती, ये एक नया प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा फाउंडेशन के अंतर्गत ग्राम विकास प्रभाग द्वारा 2008 में हमने बनाया था। इसकी रिसर्च पहले महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने की थी। 2007 में पूरे भारत की सेवाओं के लिए हमने कुछ अभियान निकाले थे ग्राम विकास प्रभाग की ओर से मोटरसाइकिल के द्वारा। और उस मोटरसाइकिल अभियान के अंतर्गत जब मैं महाराष्ट्र की तरफ गया तो वहाँ पर इस विद्यालय के जो जुड़े हुए किसान थे उन्होंने मुझे अपनी खेती दिखाई जी, और कहने लगे कि हम इस खेती में योग के प्रयोग करते हैं। तो मुझे तो इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपनी खेती मुझे दिखाई तो हमने कहा इसमें क्या आप करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कोई भी प्रकार की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयाँ, इनका प्रयोग नहीं करते जी, लेकिन इसमें हम मेडिटेशन करते हैं और कुछ गोबर, गाय का गोबर, गौमूत्र, ऐसे कुछ उनका प्रयोग करके इस खेती को इतना अच्छा बनाया है जो हमारी फसल बाज़ार में जाते ही लोग ले जाते हैं और इससे बहुत अच्छे फायदे हो रहे हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और खाने वालों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो किसान हैं जब खेत के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं जो पौधों पर, फसल पर इतना अच्छा प्रभाव आता है? वास्तव में खेत पर बैठ करके ही योग करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, तो कहीं से भी, दूर से भी कर सकते हैं आप? क्योंकि हमारा जो राजयोग है ये हमारी श्रेष्ठ भावनाओं का परिणाम है। जब हम मेडिटेशन राजयोग सीखते हैं तो उसमें हमें एक बहुत सुंदर संकल्प शक्ति का महत्व बताया जाता है कि आत्मा की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो संकल्प शक्ति है, और संकल्प में जितनी शुभ भावनाएं भरी हुई हैं उन शुभ भावनाओं को जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो और कई गुना उनकी शक्ति बढ़ जाती है। और उस शक्ति के आधार से जब हम वनस्पति से, पेड़ पौधों से वार्तालाप करते हैं तो पेड़ पौधों को भी हमारी भावनाएं पहुंचती हैं। तो पेड़ पौधों से वार्तालाप करके, बातचीत करके उनको जैसे सकाश दिया जाता है, अच्छी शुभ भावनाएं दी जाती हैं, तो उस पे ज़्यादा अच्छी फसल आती है, आप ये कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी आती है और इसके हमारे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। जब उन्होंने हमें दिखाया अपनी खेती, मैंने दो बार महाराष्ट्र में जा कर के पहले देखी, तो उन्होंने पहले मुझे एक बैंगन की खेती दिखाई। उनकी बहुत करीब एक डेढ़ एकड़ बैंगन की खेती थी और वो बैंगन के जो झाड़ थे वो करीब उन जो भाई था खेती करने वाला उससे भी ऊँचे थे जी।
तो उस खेत में मुझे लेके आया, कहता ये बैंगन देखो इसकी क्वालिटी क्या है। तो बैंगन वैसे काले वाले नहीं थे, पीले हरे वाले थे जी। और उस हरे वाले बैंगन की चमक बड़ी अच्छी थी, देखने में बहुत सुंदर चमकीले लगते रहे थे। और इतने बड़े बड़े पौधे देख करके हमने कहा क्या करते हो इसके अंदर। तो उसने अपने अनुभव सुनाया मुझे कि मैं इसको एक संकल्प देता हूँ कि हमारा मेडिटेशन हमारे विचारों को, हमारे खान पान को, हमारे परिवार को सुखी रखे, समृद्ध रखे। तो हम इन फलों को, इन सब्जियों को एक संकल्प देता हूँ कि इसको जो खाए उसके विचार शुद्ध हो जाएं, और उनकी खाने की जो वृत्तियाँ, आज नॉन वेज खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, अगर ये चीज़ खाए तो उसके विचारों में परिवर्तन आ जाए। बहुत अच्छा। शिलू दीदी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि ये प्रयोग अगर इस तरह से पौधों को अगर संकल्प दिया जाए, एक विचार दिया जाए, तो वो बेहतर पौधे बनते हैं, उन पे बेहतर फल आता है। क्या मानवों के साथ ऐसा हो सकता है कि यदि आप उनके लिए शुभ भावना रखो, उनको बेहतर संकल्प दो, तो उनका जो सक्सेस रेट है या उनसे जो फल आएगा या वो जो करेंगे वो बेहतर कर्म होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोच पर बहुत कुछ निर्भर होता है। हमारी सोच से प्रकंपन बनते हैं और जिसके बारे में सोचते हैं उस तक पहुंचते हैं। और अगर हम सकारात्मक सोच मन में लाते हैं या शुभ भावनाओं वाले सोच मन में लाते हैं, वो भी पहुंचते हैं। नकारात्मक सोच लाते तो वो भी पहुंचते हैं, और जैसे हम सोचते हैं वैसे वो भी सोचने लगते हैं। ओके। तो इसीलिए पेड़ पौधों पर भी पड़ता है, पर चैतन्य पर तो और ही ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा रिसेप्टिव है, ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए कितना ध्यान रखना चाहिए अपने कर्म व्यवहार में कि आप दूसरे को क्या संकल्प दे रहे हैं, उसके लिए क्या सोच रहे हैं, आपसे उसे क्या सकाश जा रहा है, क्योंकि वही फिर वो आगे देने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा सोचे, तो उसके लिए पहले मुझे उसके लिए अच्छा सोचना होगा। जी जी, जी। अब मैं उसके लिए बुरा सोचूं और मैं चाहूं वो मेरे लिए अच्छा सोचे, ये नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इन्होंने बात कही कि ये उसको संकल्प देते हैं, तो आप अपनी शुभ भावनाओं से किसी भी मानव को ये संकल्प दे सकते हैं कि आप जीवन में बहुत सुखी रहिए, आप स्वस्थ रहिए और आप अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, सबकी मदद कीजिए, तो वो उन पे काम करेगा। क्यों राजू भाई, ऐसा हो सकता है? हमारे पास जो किसानों ने, एक नहीं जी, मैंने और कई किसानों के अनुभव सुने। यहाँ पर एक तिल की खेती होती थी गुजरात के अंदर, एक भाई करता था। तो तिल के पौधे बहुत छोटे छोटे होते थे, वो ऐसा मौसम था, तो उसने कहा कि ये पौधे और बड़े हो जाएं, संकल्प देता था जी, और इसकी इतनी फलियाँ इसकी निकलनी चाहिए। ओके। तो वो फलियाँ भी उतना ही रिस्पॉन्स देने लगी और पौधे भी बड़े हो गए। तो साइंटिस्ट भी कहते थे, वैज्ञानिक वहाँ के देखने की, सबकी फसल इतनी छोटी छोटी, आपकी फसल इतनी बड़ी कैसे हो गई जी, आपने इसमें कौन सी खाद डाली? तो कहता है मैंने खाद नहीं डाली, लेकिन मैं इनसे सवेरे सवेरे उठ करके बातें करता हूँ। ये बड़ी गहरी बात है, बहुत अच्छी बात है कि किस तरह से हमारे वार्तालाप का, हमारे मनोस्थिति का, हमारे मन की भावनाओं का पूरी प्रकृति पर असर पड़ता है, चाहे वो पौधे हों या मानव हो। नहीं, जानवरों पर भी पड़ता है, सब पे पड़ता है। बाबूलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं, उस समय करते समय जो हम अपनी मनोस्थिति रखते हैं, क्या उसका हमारे आसन करते समय उसका हमारे स्वास्थ्य पे और गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे ये पौधों पे बताया या प्रकृति पे बताया? इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम योगा व्यायाम करते हैं तो हमारा मन एकदम शांत और शीतल हो जाता है, और परमात्मा की याद में रहकर इन चीज़ों को करने से इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो जैसे हम, इन्होंने कहा पौधों से बात करते हैं, ऐसे व्यायाम करते करते आप अपने ऑर्गन्स से, अपने अंगों से बात कर सकते हैं, अपने शरीर से, जरूर, तो उसका ज़्यादा अच्छा लाभ हो सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा उसका फायदा। तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आज आप हमें कुछ आसन करके बताइए, साथ साथ ये भी बताइए कि उस समय हम किस तरह की विचारधारा रखें जो हमें और ज़्यादा वो आसन करने से, व्यायाम करने से लाभ मिले। आज मैं आपको ले चलता हूँ, जिनको बीपी के प्रॉब्लम हो और हार्ट के प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत इजी वाले आसन, और जिसका बहुत ही अच्छा अभी तक रिजल्ट हमें मिला है। तो शुरुआत करते हैं हम सशंक आसन से। इससे बहुत सशंक मन खरगोश किस पोज में बैठता है, इससे हमारी बॉडी को काफ़ी रिलैक्स सुकून मिलता है, और बीपी के प्रॉब्लम हार्ड वालों के लिए बहुत ही बेटर होता है। इसे इजीली तरह से करना, हमें जल्दबाजी योगा में नहीं करना चाहिए। दोनों हाथ सामने लाते हैं,
वज्रासन में बैठने के पश्चात लंबी गहरी श्वास लेते हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए झुकते नासिका और कपाल हम भू पर टच करेंगे। यही पोज होना चाहिए। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे इस पोज में। रिलैक्स। धीरे धीरे श्वासों को लेते फिर उठ जाएंगे। हर एक आसन को मिनिमम 3 बार मैक्सिमम 7 बार तक करना बहुत जरूरी। एक बार फिर इसी पोजीशन में दोनों हाथ सामने होगा और एक संकल्प करेंगे उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से, सर्वशक्तियाँ मेरे ऊपर आ रही है जिससे मेरे हार्ट के प्रॉब्लम, बीपी के प्रॉब्लम, कई सारे रोगों से हमें इजीली तरीके से सहज मुक्ति मिलती है। परमात्मा की याद ध्यान में करने से बहुत हमें इसका बेनिफिट मिलता है। एक बार फिर करेंगे इसी पोजिशन में। धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। अब मैं ले चलता हूं आपको पेट से संबंधित वज्र आसन। वज्र आसन करने से उदर के सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। जिनका पेट बाहर आ रहा है वो पेट भी अंदर चला जाएगा। वज्र आसन योग मुद्रा। लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की भुजा पकड़ेंगे, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की भुजा पकड़ लेंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। स्लो पोज में श्वासों को छोड़ते हुए झुकते हुए नासिका और कपाल भू पर टच करेंगे। इस आसन को करने से पेट के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। बैक पेन का प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा और जिनका पेट भार आ रहा उनके लिए तो बहुत ही हितकारी हो जाएगा। इसे बोलते हैं वज्र आसन योग मुद्रा। धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। अधिकतर भाइयों ऐसा करते हैं, पीछे सुस्त के नासिका कपाल टच करते हैं, यह बिल्कुल रांग है। इसी पोजीशन में जंगों से सटाते हुए इसी पोजीशन में आपको बैठना होगा। इसे बोलते हम वज्र आसन योग मुद्रा। अब शॉर्ट में एक चीज और मैं बताऊंगा, पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। क्योंकि आज वर्तमान समय देखा गया लोगों को कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है। पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज करने से पेट आपका क्लियर होने लगेगा, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहले हमें दंडासन में बैठ जाना चाहिए। एक गिलास गुनगुना पानी पीकर पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज करने से पेट क्लियर हो जाएगा, कंस्टिपेशन के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। बॉडी को इसी पोज में उठा लेना चाहिए, ये वाला पोज, ये पोज। यही वाला पोज। कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी भी इससे फिनिश होगी। कंस्टिपेशन के कारण हमारी आंतों में एक्स्ट्रा मल चिपक जाता है, वो भी इससे साफ होने लग जाएगा। इसे बोलते हैं पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। इसी का पूरक साथी हो जाता है मंथन चक्र एक्सरसाइज। पहले भी हमारी बहनें हेल्दी क्यों रहती थी, घर में घी दूध होता, बहनें मंथन करती थी। मंथन चक्र एक्सरसाइज। पैरों के बीच में 2.5-3 फुट की दूरी देते हैं। रीढ़ की हड्डी, कमर के सारे प्रॉब्लम इससे दूर हो जाता है और कमर कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी से फिनिश होती है। यही वाला पोज, मंथन चक्र एक्सरसाइज, ये वाला पोज। सर्वाइकल के प्रॉब्लम भी दूर होंगे, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी भी फिनिश होगी और बैक पेन के प्रॉब्लम भी। पर पहले धीरे धीरे करें। अगर दर्द होता है तो उस टाइम के ऊपर उनको मकर आसन या मरकट आसन कर लेना चाहिए जी, ताकि ज्वाइंट पकड़ लेता हो खुल जाएगा। बहुत इजी वाला आसन होता है। जब कमर पकड़ लेती बैक पेन का प्रॉब्लम हो जाता है तो थोड़ा शवासन में जाना चाहिए। हाथों को स्पोज में फैलाएंगे, पैरों को बेंड कर लेंगे, 2 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम उनका दूर हो जाएगा, ये पोज। तो कभी ऐसा करते समय झटका लगे या कुछ पेन उठे तो शुरू शुरू में अगर किसी का बहुत कमर स्टिफ हो तो वो ये मरकट आसन कर सकता है। धीरे कर धीरे धीरे ताकि ज्वाइंट पकड़ ले, इससे वापस खुल जाएगा। धीरे धीरे इसका अभ्यास
कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा हमें बताया बाबूलाल भाई जी ने, बहुत अच्छे आसन करके बताया जो कि आपके कमर के दर्द को भी ठीक करेंगे, आपके पेट को भी ठीक करेंगे। लेकिन आज इस शो में जो सबसे अच्छी और बड़ी बात सामने आई है कि आप विचार दे सकते हैं प्रकृति को भी और अपने शरीर को, अंगों को भी। जब आप ऐसे व्यायाम करें, यदि आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप किसी व्याधि से गुजर रहे हैं, तो अपने शरीर को, अपने अंगों को आप विचार दीजिए कि मैं ये आसन कर रहा हूँ, ये व्यायाम कर रहा हूँ, इसके साथ से आप अपने आप में ऐसी ऊर्जा भर लो और तुम्हें सदा तंदुरुस्त रहना है। अपने पूरे शरीर से, तन से बात कीजिए, आपका संकल्प, आपका सच्चे दिल से किया हुआ जो संकल्प है वो जादू का काम करेगा। ये शरीर, इस शरीर के सारे अंग आपके लिए और बेहतर काम करेंगे। राजू भाई, मैं आपसे वापस जानना चाहूँगा कि किस तरह जो पौधों पर विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है, आपने तो बहुत सारी रिसर्च देखी है, ऐसे कुछ और अनुभव अच्छे आपके पास हो तो हमसे ज़रूर बांटिए। अभी हमारे बाबूलाल भाई ने जो एक्सरसाइज सिखाई, इस एक्सरसाइज को मैं भी अभ्यास करता हूँ और इसमें हम मेडिटेशन को जोड़ करके अगर करें राजयोग को जी, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमात्म शक्तियाँ बहुत कमाल करती हैं। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम इस देह से डिटैच होकर के अपने आप को आत्मा निश्चय कर लें, जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य, मैं शरीर को चलाने वाली ऊर्जा हूँ, और उस ऊर्जा के अंदर, आत्मा के अंदर 7 गुण हैं, 7 गुण अगर डेवलप होते जाएंगे तो शरीर की सारी बीमारियाँ अपने आप ख़त्म होते जाएंगी, क्योंकि उनकी कमी से ही बीमारियाँ आई हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं, कोई भी शरीर के अंदर अगर बीमारी है तो उस गुण को हम इमर्ज करते हैं, आत्मा के 7 गुणों को लेकर के, जिस गुण की कमी है उस गुण के आधार से कोई बीमारी आई है तो उसके आधार से हम परमात्मा को सर्वशक्तिवान अनुभव करते हैं कि उसके पास इन शक्तियों का सागर है वो जी, और उसके साथ अगर हम कनेक्ट हो जाएंगे तो वो शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश होंगी और वो शक्तियाँ उस बीमारी को ठीक कर देंगी। तो जैसे जैसे वो गुण आप में बढ़ता जाएगा, और मेरे ख्याल से ये गुण यही है, प्रेम, शांति, आनंद जो है, उनकी कोई ना कोई गुण की कमी के कारण ही वो व्याधि का रूप सामने आने लग जाता है। हमारे पास यहाँ जो कैड प्रोग्राम है, यहाँ यही सिखाया जाता है जी, 7 गुण, जिस गुण की कमी है उसके आधार से बीमारियाँ पैदा हुई शरीर के अंदर जी जी। तो उस गुण की कमी से अगर मान लो हड्डी की बीमारी है, चमड़ी की बीमारी है, हम अपने उस हिस्से को वो गुण की शक्ति भी दे सकते हैं। हाँ, उस गुण की शक्ति परमात्मा से लेके देनी, जैसे हार्ट के लिए प्रेम चाहिए जी, तो प्रेम स्वरूप, प्रेम का सागर परमात्मा है और उसके साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो प्रेम की शक्ति भी ले रहे हैं और साथ साथ हार्ट को दे रहे हैं कि हम तो प्यार के सागर के बच्चे हैं। तो आप योग अभ्यास भी जो कर रहे हैं हल्के फुल्के, क्योंकि कहते हैं हृदय रोग के जो रोगी हैं उनको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ये एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हुए कि जो परमात्मा की शक्ति है वो मेरे हृदय में जा रही है और वो सारा प्यार जा रहा है, वो प्यार से वो, जैसे इन्होंने पेट की बीमारी के लिए कहा चक्रासन ये घूमने वाला, तो इसके लिए हम सुख की अनुभूति करते हैं, सुख के सागर की हम संतान हैं और सुख की किरणें हमारे अंदर आ रही हैं, तो सुख स्वरूप स्थिति से पेट की बीमारियां भी ठीक होती हैं, उन पे भी उनका असर पड़ता है। जितना आप सुख स्वरूप में रहेंगे, संतोष में रहेंगे, महसूस करेंगे, क्योंकि पेट का दर्द जब पड़ता है, जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है जी, तो अगर वो सुख स्वरूप स्थिति में है तो पेट की कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बहुत अच्छा दीदी, आप तो बहुत अनुभवी, आपने जीवन में बहुत देखा है, समझा है। हमें ये बताइए कि आसन और योग करते करते हम राजयोग से किस तरह अपने शरीर को, अपने अंगों को, अपने तन को पूरा लाभ दे सकते हैं, उसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो जिस प्रकार इन्होंने लास्ट में शवासन किया जिससे रिलैक्सेशन हो जाता है, तो हम भी राजयोग मेडिटेशन में बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। मन इतना शांत हो जाता है, शीतल हो, इंद्रियां हमारी शीतल हो जाती है, क्योंकि मन शांत हो और इंद्रियां शीतल हो तो अपने आप शरीर के अंदर और मन के अंदर वो ऊर्जा अनुभव होने लगती है, क्योंकि वो ऊर्जा आएगी तब जब हम अपने मन को शांत रखें। शरीर को एक्टिव ज़रूर बनाना है, उससे ऊर्जा आएगी, पर मन को जितना हम शांत रखेंगे उतनी ऊर्जा आएगी। तो मन को शांत और शरीर को शीतल,
पर शीतलता के साथ साथ संकल्प हम अपने अंगों को जैसे देते जाते हैं, जिसके आधार से वो शीतल किरणें उन अंगों को मिलते जाते हैं और वो अंग श्रेष्ठ बनते जाते हैं, शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो ये सारा तन और मन दोनों का एक सुंदर समन्वय माइंड एंड बॉडी योग के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि हम यही कहते हैं ना, माइंड बॉडी एंड सोल। तो मन भी है, आत्मा भी है और शरीर भी है, इन तीनों को हम मिला देते हैं और मिलाने से एक सुंदर समन्वय वह जीवन में आता है, एक सुंदर संतुलन जीवन में आता है। तो शरीर भी तंदुरुस्त, मन भी दुरुस्त और आत्मा तो शक्तिशाली बनी जाती है। बिल्कुल, मतलब हर क्षेत्र पे कार्य करना चाहिए। अगर आपको एक सुंदर जीवन जीना है तो आत्म अनुभूति भी चाहिए, तो आप अपने तन पर भी कार्य कीजिए और अपने मन से भी कार्य करके इस शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। बिल्कुल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दीदी जी ने हमें बहुत अच्छा बताया, एक राजयोगी का क्लिप देखते हैं और जानते हैं कि योग आपको किस तरह से और बेहतर अनुभूति करवाता है। कि जब मैं योग में बैठता हूँ, परमात्मा की याद के कनेक्शन जोड़ता हूँ, तो ये शरीर धीरे 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 भूलता जाता है और मैं अपने आप में खो जाता हूँ, शरीर की भान से ऊपर उठ जाता हूँ और ये कई बार अनुभव होने लग जाता है कि मैं शरीर से एक न्यारी आत्मा ही हूँ। तो इस अनुभव के द्वारा हमारे रोम रोम खुशी से भर जाता है, शक्तिशाली हम बन जाते हैं। दूसरी अनुभव है कि योग के द्वारा, परमात्मा के साथ संबंध के द्वारा, हमारे कई ऐसी बीमारियां, दुख और तकलीफ भूल जाते हैं या वह किनारा हो जाता है। जीवन के अंदर में सुख के सिवा दुख फील नहीं होता है। उस सुख को हम वर्णन करते हैं अतींद्रिय सुख, जो ये पांच तत्व के प्रकृति से जो सुख मिलता है, अनुभव करते हैं, ये थोड़े समय के लिए क्षण भंगुर होता है। लेकिन अतींद्रिय सुख जो इस इंद्रियों से परे, वह एक परमात्मा की याद में रह करके जो प्राप्ति होती है, वह प्राप्ति उसी आत्माओं का होता है जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। तो हर एक आत्मा अगर परमात्मा के साथ में संबंध जोड़े तो सुख का, अतींद्रिय सुख का अनुभव वह करता रहेगा। दुनिया वाले अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, लेकिन जितने भी योग हैं वो एक स्थूल योग हो जाता है, पांच तत्व के योग हो जाता है। लेकिन हमारी योग, हम जो अभ्यास करते हैं, वो शरीर पांच तत्व से न्यारा होकर के करते हैं। ये पांच तत्व मुझ आत्मा को खींच नहीं सकती है, अपने प्रभाव में ही डाल सकती है, अपने तरफ आकर्षण नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा संबंध उस परम पिता परमात्मा से होता है, गॉड से होता है,
निराकार से होता है, क्योंकि हम भी निराकार हैं, छोटे रूप हैं, लेकिन हैं शक्तिशाली। तो ऐसे अभ्यास जब हम आत्मिक रूप में करते हैं तो हमें तो फायदा होता ही होता है, लेकिन दुनिया वाले भी सुन करके, देख करके, अनुभव करते हैं कि ऐसे शक्ति हरेक आत्मा अनुभव करे, लेवे। तो हम इस रीति से बताना चाहते हैं कि हरेक आत्मा अनेक योग के साथ साथ यह गॉडली योग, ईश्वरीय नॉलेज के द्वारा जो हम दे रहे हैं उसको आप अनुभव करो। दोस्तों, आज हमें इस एपिसोड से बहुत ही गहरी बातें सीखने को मिली हैं कि किस तरह हम अपने तन और मन दोनों को समन्वय में लेकर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। बस ज़रूरत है आपका कदम आगे बढ़े, क्योंकि जब हिम्मत कदम आगे बढ़ाती है तो किस्मत भी शीश झुकाती है। बड़ी प्यारी बात हमें बताई राजू भाई जी ने कि किस तरह आप अपने संकल्प से जो है पौधों से भी अच्छा फल ले सकते हैं, आप अपने सहयोगियों से बेहतर सहयोग ले सकते हैं, आप अपने शारीरिक जो अंग हैं सूक्ष्म और स्थूल उनको भी बेहतर बना सकते हैं, उनसे भी पूरे जीवन में आप लाभ ले सकते हैं, उनसे अच्छी अनुभूतियां पा सकते हैं। मैं राजयोगिनी आदरणीय शीलू दीदी जी से भी शुक्रिया कहना चाहूँगा, आज हमारे बीच पधारे, आदरणीय राजू भाई जी भी और बाबूलाल जी, जिन्होंने इतने अच्छे हमें आसन बताए जिससे हम और एक स्वस्थ जीवन का, बेहतर जीवन का अनुभव पा सकते हैं। दोस्तों, एक संकल्प आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। यकीन जानिए, योग वो बल है जो आपके जीवन में, आपके पल पल में नर्तन ला सकता है, आपकी जीवन संगीतमय हो सकती है, सुखमय हो सकती है। आज के लिए इतना ही, आगे और अनुभवों के साथ और कुछ गहरी बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। दीजिए आज इजाज़त, अगली बार तक की मुलाकात के लिए ओम शांति, नमस्कार।